एक हरियाणा पुलिस की एक महिला कांस्टेबल जो कि राजस्थान रोडवेज की बस में यात्रा कर रही थी, हरियाणा से राजस्थान किसी काम के लिए जा रही थी, जब राजस्थान रोडवेज की बस के कंडक्टर ने उस महिला से पैसे मांगे, मतलब 50 रुपये का टिकट था, उस टिकट के लिए उन्होंने बोला कि आपको अगर यात्रा करना है, आपको अगर सवारी करनी है तो आपको 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, जिस पर कि महिला कांस्टेबल ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं फ्री में ही यात्रा करूंगी और मैं इसका एक भी रुपया नहीं दूंगी। इस घटना का पूरा वीडियो कंडक्टर ने बना लिया और साथ ही में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होने वाली न्यूज़ और साथ ही में एग्जैक्टली वो हुआ क्या था और साथ ही में क्या ऐसा कुछ प्रावधान है पुलिस के डिपार्टमेंट में, क्या आप विदाउट टिकट रोडवेज की बस में यात्रा कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स इस चीज़ में मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ नियम है या फिर नहीं है। अब आप देखिएगा पूरा मसला क्या था। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया, यानी चालान काटने का युद्ध स्टार्ट हो चुका है। कुछ यूजर ने तो ट्विटर पर इतना लिख दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और लड़वा सकती हूं, मतलब इस तरह के जो कमेंट हैं वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और एग्जैक्टली ये क्या ऐसा कुछ प्रावधान है, क्या ऐसा कुछ है? देख, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हरियाणा पुलिस यानी कि हरियाणा रोडवेज ने भी चालान काटना स्टार्ट कर दिया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने अब तक राजस्थान रोडवेज की बसों लगभग 90 से ज्यादा बसों का चालान काट चुका है। और साथ ही में ऐसा नहीं था कि एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था, जब ये बात राजस्थान रोडवेज के उच्च अधिकारियों को पता चला कि यार हरियाणा पुलिस जो है वो हमारी राजस्थान रोडवेज की बसों का चालान काट रही है, तो उसने भी ये काम चालू कर दिया। यानी कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 35 से ज्यादा हरियाणा रोडवेज की बसों का चालान राजस्थान रोडवेज ने काट दिया है। मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ एकदम ऐसा लग रहा है कि मानो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया हो। अब देखो एक और चीज देखिएगा, हरियाणा पुलिस का साथ दिल्ली पुलिस भी दे रही है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने भी अब तक 16 से ज्यादा राजस्थान रोडवेज की बसों का जो चालान काट दिया है। मतलब चालान पर चालान, ये स्थिति काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। क्या आप जान सकते हैं क्या ऐसा कोई प्रावधान है? देखिएगा, चालान जब कटता है तो सीधी सी बात है कि जब आपकी रोडवेज यानी जब आपकी बस किसी रोड पर दौड़ रही होगी सवारियों के साथ में, उस टाइम पर कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर रहे होंगे। या तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के पास में ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना, या फिर उसका वर्दी में ना होना, या फिर किसी गलत यानी कि जो जगह चिन्हित की जाती है एक बस स्टैंड, यानी बिना बस स्टैंड के जिस जगह बस स्टैंड नहीं है उस स्टैंड से उस जगह से आप यात्रियों को उठाना, यह भी एक इलीगल है। तो ऐसे में इस तरह के जो नियम है इनको देखते हुए बैक टू बैक जो है वो चालान की कटाई भाई साहब धुआंधार हो रही है। कुछ यूजर्स के कमेंट हैं, मैं आपको उस वीडियो को भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उतर लो, नहीं उतरना भाई, उतर लो, यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है, 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जबरदस्ती है। नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक चीज समझ में आती होगी कि आपका मन क्या कहता है। क्या हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल जो राजस्थान रोडवेज की बस में यात्रा कर रही थी, क्या उसको टिकट नहीं लेना चाहिए था? क्या उसने ऐसा गलत नहीं किया था? उसको लेना चाहिए था। वैसे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ रोडवेज में जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनके लिए क्लियरिटी कुछ नहीं है। मतलब एक तरफ से कहते ना, एक नोटिस जो होता है वो कोई नोटिस या कोई भी जो है ऐसी सूचना अभी तक ऑफिशियल तरीके से नहीं है जिसमें मैं एग्जैक्टली आपको बता सकूं कि ऐसा कोई नियम है एग्जैक्टली अभी तक। क्योंकि देखो, हम भी जो है ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करने के दौरान अब सामने वाला डिपेंड करता है। अब देख, जैसे आप वर्दी में जा रहे हैं तो अब मोस्ट ऑफ टाइम सामान्यतः ये होता है कि जब सब दे रहे हैं और वो आपके पास में आते हैं कि भैया आपको टिकट जो है लेना पड़े, तो बिना झिझक मतलब टिकट जो है वो ले लेना चाहिए। एक यूजर ने क्या लिखा है सुनिएगा। हरियाणा पुलिस की एक कांस्टेबल ने बिना टिकट राजस्थान रोडवेज में दादागिरी दिखा करके यात्रा की, जिसका वीडियो कंडक्टर ने वायरल कर दिया। आगे लिखा है, हरियाणा पुलिस ने कल राजस्थान रोडवेज की 70 से ज्यादा बसें चालान काट दिया। आज राजस्थान पुलिस ने 50 से ज्यादा हरियाणा रोडवेज की बसों का चालान काट दिया। अब आप देख सकते हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा कि मैच हो रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ऐसे समझो कि मैच हो रहा है। मतलब दोनों ही टीम जो बैक टू बैक एकदम बैटिंग करने पर उतावली हो रही है कि इसने इतना रन बना दिया, मतलब इस राजस्थान ने या फिर हरियाणा ने या दिल्ली ने इतना ज़्यादा जो हमारा चालान काट दिया, क्यों ना हम इसके साथ में अब हाफ सेंचुरी और सेंचुरी करने वाले हैं। एक यूजर लिखता है कि देखो महिला की ताकत,
दो राज्यों की पुलिस और एवं परिवहन विभाग को आमने सामने कर दिया। किसी पुरुष की ये हिम्मत नहीं है, ये काम सिर्फ महिला ही कर सकती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लड़वा सकती हूँ, एक ये यूजर का कमेंट है। दो राज्यों में दंगल करवा दिया, इट्स द पावर ऑफ विमेन, यानी ये जो पावर है वो महिलाओं की पावर है। देखिएगा अब अगर मैं बात करता हूँ इस नियम को लेकर के, क्या ऐसा कुछ नियम है कि आप विदाउट टिकट यात्रा कर सकते हैं अगर आप पुलिस कर्मचारी हैं? तो देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार, नो क्लैरिटी ऑन वेदर पुलिसमैन कैन ट्रेवल विदाउट टिकट इन गवर्नमेंट बसेस, यानी कि इसके ऊपर कोई भी साफ अभी क्लियरिटी नहीं है कि आप यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, सही या गलत? मेरी नजर में ये एकदम गलत था, उनको टिकट लेना चाहिए था। और कंडक्टर का उनका अपना काम है, उनका अपना यार देखो कंडक्टर की भी एक बड़ी हमने एग्जैक्टली मैंने बात किया तो कंडक्टर जब मुझे ये बताया कि सर देखिएगा आप नहीं जानते कि बिना टिकट के यात्रा करना इलीगल है, और साथ ही में जब एक रोडवेज किसी भी राज्य की हो, जब रोडवेज बस जो रोड पर दौड़ती है तो उस टाइम पर भी आरटीओ कई सारे इंस्पेक्टर जो होते हैं वो रास्ते में मिलते हैं, वो चेक करते हैं गाड़ियों को। और जब भी अगर आपकी गाड़ी में अगर एक भी बंदा विदाउट टिकट मिला गया तो आपको पेनल्टी ठोक दी जाती है, कार्रवाई कर दी जाती है। तो अब लिखित में कोई आदेश नहीं है, इन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सर हम भी अपनी ये नौकरी करते हैं। तो इस तरह का जब उन्होंने मुझे बताया तो एकदम क्लियरिटी हुआ। तो इस पर मेरी राय तो ये है कि उनको टिकट लेना चाहिए था, 50 का हो या 500 का हो। और उसने जब ये कंडक्टर ने ये बात कही कि आपको क्या सैलरी नहीं मिलती है, तो उनका जवाब था सैलरी भी मिलती है और खर्चा भी होता है। तो सैलरी मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है आपको टिकट लेना चाहिए था, ये उनकी गलती थी। इस तरह की गलती देखो पुलिस विभाग के लिए सच में शर्मिंदगी वाली बात है अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो, क्योंकि इस तरह के जो कृत्य हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट को एक तरह से कहते ना बदनाम करने का काम होता है कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कोई नियम कायदा कुछ है ही नहीं, मतलब समझ रहे ना, कोई नियम नहीं है, आप विदाउट टिकट यात्रा नहीं कर सकते, तो आपको देना चाहिए, समझ रहे ना। 500 रुपये का विशेष कोई वैल्यू नहीं है अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और यात्रा कर रहे हैं, आपका पैसा कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है नदी में बहा रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे ही बस लुटा रहे हैं। आप अपनी यात्रा के दौरान आप बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको टिकट उसका लेना चाहिए, ऐसा मेरा मन बोलता है जो मैंने आपके सामने ये सारी बातें रखी। अब देखने वाली बात होगी आज शाम तक कितना क्या कुछ होता है इस राजस्थान एंड हरियाणा रोडवेज के बीच में, एंड पुलिस की एंट्री हो चुकी है। आपको पता होगा पुलिस ट्रैफिक पुलिस भी इसमें होती है, साथ ही में स्थानीय पुलिस भी जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस की मदद में होता है, साथ में होमगार्ड भी होते हैं। एकदम भाई साहब धुआं दे रहे हैं, आज तक तो हमने कभी नहीं देखा था कि किसी भी राजस्थान रोड, मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा कि कब किसी रोडवेज बस का चालान करते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि जहां भी रोडवेज दिख रहा है लग रहा है कि भाई साहब जाकर के आराम से कट जाओगे, आगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं, सीधे सीधे एकदम आपका चालान काट देंगे। लगता ना कि रोडवेज की बस को कहीं भी घुसा दो कोई चालान ही नहीं होता, लेकिन अब कहां है आपकी वर्दी, कहां है? देखो वर्दी होता है उनका, अलग प्रोटोकॉल होता है उनका, वर्दी होता है, कहां है आपका लाइसेंस? आज तक तो कोई पूछता नहीं था। तो देख सकते हैं ये द पावर ऑफ विमेन, ये महिला की पावर है कि दो राज्यों के बीच में दंगल करा दिया भाई साहब। लग रहा है कि यूक्रेन और युद्ध में धुआं कर देगा यूक्रेन। तो स्वाभाविक सी बात है अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक इस न्यूज़ के ऊपर क्या अपडेट आती है, कितने चालान करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये जो कृत्य था वो सही नहीं था, उनको टिकट लेना चाहिए था। इस तरह की गलती पुलिस डिपार्टमेंट के लिए असहनीय है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कहने को आप किसी का भी सपोर्ट करो, लेकिन एग्जैक्टली बात यह है कि आपको टिकट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम भी यात्रा करते हैं, हम भी टिकट लेते हैं भाई, कभी भी इस तरह का कोई भी कृत्य हमने नहीं किया कि विदाउट टिकट जो है वो यात्रा की हो। अपना आप ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपको कहानियाँ, आपको क्राइम स्टोरीज एंड लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो इस चैनल पर आप बने रहिए, आपका स्वागत है। थैंक यू।